Hello friend, in this video I will discuss a solution procedure for a question that was asked in term end examination December 22 for course code MEC 103, title is quantitative method, question number 1A and 1B is available at my channel. I uploaded solution procedure for IGNU MA Economics, and this question is related to continuity of function. You can see question is, and this question carry 10 marks. You can see, prove that f dash a is finite, fx must be continuous at x equal to a. तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 22 में आया है, 10 मार्क्स का है, 1A है, 1B का अवेलेबल है हमारे चैनल पर, इसका सोल्यूशन प्रोसीजर देखेंगे। तो सबसे पहले लेट एफएक्स इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन, ठीक है, एफएक्स को मान लेना एक फंक्शन है, डेट इज डिफरेंशिएबल, डेट इज डिफरेंशिएबल at point x equal to a according to differentiability, ठीक है, जैसा कि फॉर्मूला होता है according to differentiability, क्या होता है f dash a equal to limit as x tend to a fx minus fa x minus a, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, लिमिट में हम लोग पढ़े हैं। अब हमको प्रूफ क्या करना है, नाउ वी हैव टू शो, वी हैव टू शो करना है हमको, क्या करना है, सो डैट एफएक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट एफएक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ई, डैट इज वी हैव टू प्रूव, we have to prove limit as x tend to a fx equal to f a, यही चीज प्रूफ हमको करनी है, ठीक है, इस चीज को प्रूफ करनी है। तो अब हम इस पर करेंगे, इसको प्रूफ हम डायरेक्टली करेंगे, यह चीज हमको प्रूफ करना है, तो जो रिलेशन दिया गया है इसी से हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये आप लोग उतार सकते हैं जिन्होंने नहीं उतारा है, ठीक है, हम कुछ पोर्शन मिटाएंगे, इधर करते हैं। लिमिट एज एक्स टेंड टू ए, ठीक है, यहां से आपका चल रहा है दूसरा, ठीक है, एफ एक्स ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ डैश ए, ये कहां से लिए, ये वाला चीज को हम उलट के लिखते हैं, ठीक है। अब यहां लिमिट तो ऊपर नीचे दोनों जगह लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड टू ए, ठीक है, ऊपर वाला में सेपरेट कर रहे हैं एफ एक्स माइनस एफ ए, ठीक है, और नीचे भी होगा लिमिट एज एक्स टेंड टू ए, ठीक है, ये वाला इसको ब्रैकेट में करते एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ डैश ए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो, ठीक है, तो वो ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, तो लिमिट एज एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस
एफ ए इक्वल टू एफ डैश ए लिमिट एज एक्स टेंड टू ए, और ये ब्रैकेट में आपका एक्स माइनस ए। अब यहां हम सॉल्व करेंगे लिमिट को, एक्स टेंड टू ए है तो ए एक्स का वैल्यू हम ए बैठा देंगे दूसरा टर्म में, अब इधर कुछ मिटाएंगे तभी जगह बनेगा। तो सो फार जहां तक हम लोगों ने भी लेके आया हूं वहां से हम आगे बढ़ने से पहले यहां लिख देते हैं लिमिट एज एक्स टेंड टू ए, मैं यही वाला चीज को लिख रहा हूं एक बार वन सेकंड, एफ एक्स माइनस एफ ए ठीक है इक्वल टू एफ डैश ए, और यहां वाला मैं काम करने जान रहा हूं लिमिट को मैं हटा रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा एक्स के जगह ए लिखना पड़ेगा तो ए माइनस ए ठीक है। तो यहां पर फिर लिखेंगे लिमिट एज एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल टू एफ डैश ए इंटू ये ए कट जाएगा थी घटकर जीरो हो जाएगा। सेकेंड स्टेप लिमिट एज एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए, और ये जीरो को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे उसका रिजल्ट हमेशा आउटकम जीरो होगा। अब ये वाला टर्म माइनस एफ ए को उधर हम ले जाएंगे तो लिख सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इधर रहने दिया और इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। दिस इज द थिंग वी हैव टू प्रूफ, यानी फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू वन। क्या है कि लिमिट निकालना है और वैल्यू ऑफ फंक्शन जिस पॉइंट पर बराबर होता है दैट मींस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड वी हैव टू प्रूफ एफ एक्स इज मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इज दिस पॉइंट ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन था और दिस क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स एंड आई होप एवरीबॉडी गॉट द कंसेप्ट आई डिस्कस अंडर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।